तो विवर जी, मैं आज सुबह से ही गया, जल्दी से व्लॉग नहीं बना सका सुबह, तो पंप पे अड्डे पे मेरे जो इस छोटे से अड्डे का साथ वाला पंप है इस पे, तो इसमें ये वाली मोटर पंप पेट्रोल डालने वाली थी, ये ख़राब थी, चल नहीं रही थी। मैंने इसको खोला और उस जगह पे एक और मोटर लगाई। लगाने के बाद जल्दी से मोटर लेके मैं दुकान पे आया। मैंने कहा इसको देखते हैं क्या मसला है, क्योंकि इसमें से धुआं निकला हुआ था, तो चेक करने में क्या हुआ इसमें। इसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बचा हो गया। इसमें ये वाला गवर्नर टूटा है, तो इसकी वजह से इसकी वेंडिंग में थोड़ा सा होना, या ये वाली टेढ़ी हो चुकी है और ये यहाँ से मसला बना तारों को, बाकी बचा हो गया। इसको जली नहीं है, बचा हो गया, लेकिन ये मसला बन गया। दिया है शाम का, तो शाम तक इसको इंशाल्लाह रेडी कर देंगे बिल्कुल ओके। तो अभी चलते हैं एक और काम की तरफ वो करके, उसके बाद आप हमारे साथ साथ रहिएगा, हम आपको नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जा रहा हूं मैं 420 में, एक सोलर पैनल है उसको चेक करते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या मसला है। चेक करने के बाद दिखाते हैं आपको, लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह, और मसला तलाश करेंगे कि क्या है। हमारे पास रोड, ये रोड आपके सामने क्या हाल हो रहा है। चला रहे हैं वो देखें आप, सामने कितनी दूर है, नज़र भी नहीं आ रहा सामने से कि क्या चीज़ आ रही है, ज़्यादा दूर है। तो गाइस फाइनली मैंने इन्वर्टर की थोड़ी सी मसला था उसमें सेटिंग की है, उसके बाद ओके हो गया। अब आपको दिखाते हैं पानी, पानी तो बहुत कम है क्योंकि प्लेटें भी कम लगी हैं, हर भी 43 पे थे, तो पानी कम है। तो आपको दिखाते हैं कि कितना पानी इसमें, क्या सूरत हाल है। मैं पहुंच चुका हूं इस ट्यूबवेल पे, चक्कर भी कम है, पानी इतना ज़्यादा नहीं है। ये देख सकते हैं मोटर 20 की लगी है, मेरे ख्याल में 20 की मोटर, और इसका पानी दिखाते हैं आपको, इतना ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है, क्योंकि अभी सुबह टाइम हो रहा है 9:39, तो अभी इतना सूरज भी ज़्यादा तक नहीं दे रहा, तो इसलिए पानी कम है। लेकिन ये देखें ऊपर पानी ले जाने के लिए ना चीले थे, ये लगाया हुआ पैक, वो इसको लेकर से बंद कर देते हैं, उसे मौका लगाया कि उधर से पानी होता हुआ सीधा इस तरफ चला जाता है, इसके ऊपर बॉडी बनी हुई है, तो उसमें उसमें से होता हुआ पानी ऊपर टीले इसे को ख़राब कर देते हैं। तो ये सामने का व्यू देख सकते हैं आप कि कितना सरसब्ज़ दरख्त, हमारे गांव का तो इतना खूबसूरत व्यू होता है कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त VIP। तो इधर आके इंसान एक बार ताज़ा दम हो जाता है कि इतनी सरसब्ज़ जगह और ठंडी जगह है नीचे, और इतनी ज़बरदस्त ताज़ा हवा मिल रही है ना यहाँ से, बहुत ही मन ताज़ा हो जाता है। तो इधर देखिए छोटा सा बच्चा एक बकरी चरा रहा है, तो इधर वो बैठे हुए थे भाई, जिनका मैं जिनके ट्यूबवेल था उनका मसला था, तो मैंने ओके कर दिया।
वो उसी बटन दबाया बल्ब बल देने से मैं फिर वो बटन लेके तारा काट के मैं फिर की पता बटन का मसला करंट तार है बल्ब फूल गया मैं अभी पहुंच वो सेट करके तो जा रहा हूँ 430 तक में एक और पैनल का मसला है तो जाके देखते हैं क्या मसला है कुछ आता है नहीं आता है क्या मसला है क्या नहीं जो भी है आपके साथ शेयर इंशाल्लाह लाजमी करूँगा इस बार। पहले तो वो इन्वर्टर से मैं उनके घर लगा हुआ था तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा तो अब इंशाल्लाह मैं इधर जा रहा हूँ उनका जो है ना पैनल वाला सिस्टम या इन्वर्टर वो वायर लगा हुआ है तेरा है जाकर सर आपको हमारे साथ रहिएगा वीडियो मुकम्मल देखिए। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ तो आप बताते हैं ये देखें और चल रहा है सामने पैनल है और इसका आपको इधर भी सामने हरियाली है दरख्त हैं। गांव में बहुत ही मज़े हैं हर तरफ हरियाली होती है ताज़ा हवा मिलती है और दिल को सुकून मिल जाता है इंसान कहता है ताज़ा हवा ही है। ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पर लगा इन्वर्टर को दिखाते हैं आपको इन्वर्टर का स्टेशन के क्या कर रहा है क्या सेटिंग है क्या टर्न है ये देख सकते हैं आप सामने कितना हरियाली वाला व्यू है और आज तो गर्मी भी नहीं है मौसम बहुत अच्छा है बहुत ही सुहाना मौसम है ज़बरदस्त क्योंकि ये देखें फसल बहुत ज़बरदस्त मौसम आ रहा है। तो गाइस अभी मैं 430 में जो पैनल वो भी चेक किया है चेक करके उसका थोड़ा सा मसला था ट्यूनिंग का तो वो आपके सामने किया है आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी जा रहा हूँ 433 चेक में उधर एक पंप है लाल पंप वो नहीं चल रहा तो उसको चेक करते हैं। उसके बाद फिर 419 में जाना है उधर थोड़ा सा काम है वो करने के बाद एक तो और भी काम है जहाँ जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह आपको साथ रखेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
कहते पैसे में बंद कर देता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को